नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी से मुख्य समाचार दो है। कुछ लोगों को टिकट मिला है और कुछ लोगों का टिकट कटा है, और ये जो आपका कल का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, ये भी आपको बता दें। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किन किन लोगों को टिकट मिला है। एक नई लिस्ट जारी हुई है समाजवादी पार्टी की, और किसका टिकट कटा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर श्री आदित्य यादव, मतलब बदायूं से इनको टिकट मिला है। शिवपाल सिंह यादव जी का टिकट कटा है, और श्री राम भुवाल निषाद जी को टिकट मिला है सुल्तानपुर से, वहां पर जो है उनका टिकट कट गया है। और जो नई लिस्ट जारी हुई है दोस्तों, ये फूलपुर से मिला है अमरनाथ मौर्य जी को, और श्रावस्ती से जो टिकट मिला है वो राम शिरोमणि वर्मा जी को मिला है, और डुमरियागंज से जो टिकट मिला है श्री भीष्म शंकर कुशल तिवारी जी को ये मिला है। और संत कबीर नगर से अगर आप देखेंगे तो श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी को यहाँ पर संत कबीर नगर से मिला है। सलेमपुर से अगर बात करें श्री रमाशंकर राजभर जी को टिकट मिला है। जौनपुर से श्री बाबू सिंह कुशवाहा को, और मछली शहर जौनपुर से ये भी है मछली शहर सुश्री प्रिया सरोज को। यहाँ पर पूरा पीडीए पर ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो टिकट वितरण हो रहा है कितना सही है, और जिनका टिकट कटा है क्या इसमें पार्टी की कोई रणनीति से कटी है। किसी का टिकट कटा है तो उससे कोई पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यही था न्यूज, किसको किसको टिकट मिला है, किसका टिकट कटा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को सपोर्ट करिएगा, वोट दीजिएगा, हर बूथ पर जाके अब की बार सरकार बनाना है पीडीए।